लावालंग प्रखंड कोलकोले पंचायत में मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्यों ने गोपनीयता के लिए शपथ। सभी वार्ड सदस्यों ने विश्वास जताया नौशाद आलम पर तथा उनके समर्थन से उप मुखिया की जिम्मेदारी मिली है नौशाद आलम पर। लावालंग प्रखंड क्षेत्र के कोलकोले पंचायत में बुधवार को दोपहर पंचायत सचिवालय के सभागार में मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचित पदाधिकारी लावालंग के अंचल अधिकारी सह प्रखंड पदाधिकारी अमित कुमार ने कोलकोले पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया राजेश कुमार साहू, उप मुखिया नौशाद आलम सहित वार्ड सदस्यों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनमें से मुखिया राजेश कुमार साहू तथा शशिकला कुमारी, सुमति कुमारी, देवंती देवी, सुरेंद्र सिंह भोक्ता, राजमणि देवी, नौशाद आलम यह सभी शामिल हैं। पंचायत सचिवालय में शपथ ग्रहण करने के बाद कुल 7 नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों के बीच उप मुखिया पद को लेकर वोटिंग किया गया, लेकिन उप मुखिया के रूप में नौशाद आलम को निर्विरोध चुने गए तथा कोलकोले उप मुखिया का ताज नौशाद आलम को पहनाया गया। इसके बाद दोनों मुखिया ने बारी बारी से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई सुविधा, रोड, शुद्ध जल पर रहेगा। लोगों के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। आप उप मुखिया में निर्वाचित निर्विरोध चुने गए हैं जी, तो इस पंचायत के लिए आपका सर्वप्रथम आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो मेरा कोशिश रहेगा जिन लोगों ने विश्वास करके हमको बनाया है उन लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे और जो भी कार्य छूटा हुआ है उसको पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अन्य कार्यों में चढ़ बढ़ करके इसको विकास की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार साहू जी। किस पंचायत के मुखिया हुए आप? कोलकोले पंचायत जी। इस पंचायत में आप निर्वाचित हुए हैं तो इस पंचायत के लिए मुख्य कार्य आपके लिए क्या रहेगा? मुख्य कार्य बिजली, सड़क, रोड, पानी, तालाब, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मेरा रहेगा पहला।